बताएं सर कौन सा स्टॉक है खरीदना है दीप और एक सरकारी बैंक बैंक में आपको खरीदारी करनी है। है। yes, चीपेस्ट सरकारी बैंक है पहले मैं आपको टारगेट्स दे दूं 525 640 और 750 ये तीन टारगेट लेकर चले एक से दो साल तीन साल के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है आपको सिंपल सी चीज है जिन इन्वेस्टर्स को केनरा बैंक में एफडी से दुगुना रिटर्न चाहिए वो शेयर खरीद सकते हैं ये नहीं कह रहा कि आप एफडी तोड़ के शेयर में पैसा लगा लें आपकी मर्जी है लेकिन अगर एफडी से दुगुना रिटर्न अगर आपको एक बैंक देने की ताकत रखता है तो फिर आप वो शेयर क्योंकि जिस बैंक में आप एफडी रख सकते हैं उसका शेयर खरीदने का भी उतनी रिस्क लेनी चाहिए बात anyway, तो सबसे पहली चीज तो ये कि बहुत ही सस्ता सरकारी बैंक है और पूरे सरकारी बैंक में एकदम सस्ता है कैसे प्राइस टू बुक पर एक के लेवल पर बुक वैल्यू पर ही ट्रेड कर रहा है बुक वैल्यू से कोई प्रीमियम नहीं है और अगर प्राइस मल्टीपल देखें पीई रेशियो पाँच साढ़े पाँच के पी मल्टीपल पर इनकी तीन सब्सिडी बिजनेसेस की वैल्यू को निकाल कर अगर एडजस्टेड पी देखेंगे तो आपको चार के पी मल्टीपल नजर आएगा और करीब करीब पौने तीन तीन, तीन परसेंट के आसपास की डिविडेंड इल भी है तो उस लिहाज से अच्छा खासा वैल्यूशन कम्फर्ट है तीसरी बात इनके पास जो सब्सिडी बिजनेसेस हैं उनमें ज़बरदस्त वैल्यू है और तीन बिजनेस ऐसे हैं जिनमें खतरनाक वैल्यू इनके है दस से पंद्रह हजार करोड़ रुपए की वैल्यूशन इनके सब्सिडी कंपनी में कैसे दीप समझिए एक है केनरा रोबो को म्यूचुअल फंड दूसरा है कैनफिन होम्स जो ऑलरेडी लिस्टेड है और तीसरा है क्रेडिट कार्ड बिजनेस केनरा रोबोको म्यूचुअल फंड का आईपीओ लाने के लिए भी ऑलरेडी बोर्ड ने मंजूरी दे दी कि आप प्रोसेस शुरू करिए वैल्यू अनलॉकिंग की शुरुआत हो चुकी है ठीक है और अगर ये वैल्यू अनलॉकिंग और आगे बढ़ती है तो इनका फायदा होगा तो एक म्यूचुअल फंड वाला बिजनेस दूसरा क्रेडिट कार्ड बिजनेस है सरकारी बैंकों में केनरा बैंक सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्योर है आ, मतलब को पता भी नहीं ये पता नहीं है। हाँ एस बी आई के धीरे आई लगातार भरोसा लो रहा है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है टॉप क्लास मैनेजमेंट कैसे कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी के लिहाज से डिजिटलाइजेशन में ये बैंक टॉप पर है पिछले दो साल से टॉप रैंकिंग में कैसे सरकारी बैंकों में नहीं सरकारी प्लस प्राइवेट आ, दोनों बैंकों को मिलाकर इसका मतलब क्या है अगर बैंक का फोकस डिजिटलाइजेशन को लेकर क्लियर लीडर है आगे कॉस्ट एडवांटेज कॉस्ट बेनिफिट ये सब मिलने वाले सैतालीस बैंकों के बीच में ये नंबर वन है ये तो अननोन चीज है।, है कोई आइडेंटिफाई नहीं छोटी चीजें होती आपको अलग करती है ना दूसरे बैंक तो ये है मेरा ये मानना है इसमें आप आराम से एस आई पी करते रहे हर सात परसेंट का फोल आए वहाँ पर एस कीजिए अगर जब भी आपको मिले आराम से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको लेना है कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं है और धीरे धीरे खरीदते रहिए चिंता की बात तो अगर एक सरकारी बैंक मुझे लगता है जो टर्न ओवर और दीप कोई बड़ी बात नहीं है अगले तीन साल में इसका मुनाफा डबल हो जाए बैंक का कोई बड़ा आगे के अगले दो साल आगे के वेल्यूशन पे आप देखेंगे बहुत अट्रैक्टिव है और मैं फिर बोल रहा हूँ अगर मार्केट ठीक ठाक रहा इकोनॉमी जैसी है तो ये जो मैं टारगेट आपको दे रहा हूँ सात सौ तक ये बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है क्योंकि अगर तीन साल में बैंक मुनाफा डबल कर सकता है तो, तो का भाव तो दोगुना होने में कौन सी बड़ी बात है सो so हम समय समय पर टारगेट रिवाइज भी करते रहेंगे लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक बहुत बढ़िया बेट है आराम से इसको खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखिए